नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते ने बराक ओबामा को कहे अपशब्द। दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता हुई रद्द। विवाद बढ़ने के बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति ने मांगी माफी। 3 धमाकों से दहली अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। 24 लोगों की मौत, 90 से ज्यादा जख्मी। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। मलेशिया में श्रीलंका के उच्चायुक्त इब्राहिम साहिब अंसर पर हमला। मलेशियाई पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। घटना पर श्रीलंका ने जताई चिंता। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की चेतावनी के बाद भी नहीं माना चीन। दक्षिण चीन सागर में दिखे चीनी पोत। चीनी कोस्ट गार्ड के 4 पोतों सहित 6 और पोत हैं शामिल। सीरिया में हुए सिलसिलेवार 6 बम धमाकों की आईसिस ने ली जिम्मेदारी। हमले में 48 लोगों की हुई थी मौत, कई लोग हुए थे घायल। आतंकवादी समूह की अमाक समाचार एजेंसी ने की पुष्टि। थाईलैंड के नराधिवाद प्रांत में बम विस्फोट, 2 लोगों की मौत, 8 घायल। स्कूल के बाहर मोटरसाइकिल पर हुआ धमाका। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।